दोस्तों आज है 29 जनवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। स्टार्ट करूंगा एक इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ में जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही कल, और एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर क्या ये सही है इस तरीके से बोलना, या फिर ये यहाँ पर कुछ और मुद्दा इसके ऊपर हो सकता था, और खासकर ऐसी पर्सनैलिटी को क्या ऐसे कोई कमेंट करने चाहिए। तो यहाँ पर जावेद अख्तर साहब के द्वारा क्या बात बोली है कि जो हम लोगों ने अभी एक स्टैचू अनवील की अपने इंडिया गेट के पास में, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की है। ये जो स्टैचू है सुभाष चंद्र बोस जी की, इनके द्वारा ये बोला गया कि जिस तरीके से इसको दिखाया गया है, ये दिखाने का तरीका जो है यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि हजारों लोग जो है वहां पर सड़कों से गुजरेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो उन हजारों लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात बोली गई इनके द्वारा, तो ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई ट्विटर के ऊपर, और ये यहाँ पर ट्रेंड भी कर रही थी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने ये बोला कि आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं, ये भारत माता को एक तरीके से सैल्यूट कर रहे हैं, ना कि जनता को सैल्यूट कर रहे हैं। इनका मानना ये था कि ये तो एक तरीके से हाथ ऊपर उठाते हुए, जैसे नहीं एक तरीके से इन्होंने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर दिल्ली चलो के नारे, तो इस तरीके से यहाँ पर, या फिर जय हिंद बोलते हुए, तो ऐसे होना चाहिए था। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, यहाँ पर अख्तर साहब जो है सही बोल रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये जो स्टैचू जो लगी है वो बिल्कुल सही है? तो अगर आप लोग बोल रहे हैं ये सही है तो आप लोग अपनी राय दिखा सकते हैं यस, और अगर बोल रहे हैं कि ये स्टैचू जो है गलत है तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर नो, यानी कि आप लोग अपनी राय यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी बनती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सोसाइटी में कोई ऐसा इशू बनता है और जिसकी वजह से कोई कॉन्ट्रोवर्सी बनती है, कल को चलकर आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर बैठते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके के इशू पर आप लोगों का क्या व्यू है। तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, अगर आप लोगों से इस तरीके से सोचने की प्रवृत्ति आप लोग एक बार को बना लोगे, तो जैसे आप लोग इंटरव्यू में जाकर बैठोगे ना, तो आप लोग वहां पर एक आंसर जब दोगे तो आप लोगों का माइंड ऑलरेडी कुछ चीजों पर सोच चुका होगा, कुछ चीजों को समझ चुका होगा, तो अगर आप लोग कुछ रिप्लाई करना होगा तो आप लोगों का माइंड उस प्रोसीजर में ढल चुका होगा। तो ऐसे ऐसे कोई भी अगर आप लोगों के सामने मुद्दे आया करें तो उनके ऊपर आप लोग अपना व्यू रख सकते हैं। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में फिर न्यूज एनालिसिस देखेंगे। डिस्कशन जो है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो भी एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, हर एक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा निचोड़ आप लोगों के सामने यहाँ पर रहेगा, वीडियो को एंड तक देखेगा। और इसी के साथ में आप लोग को यहाँ पर डेली दो क्वेश्चन देता हूं, पर लेकिन आज है सैटरडे, सैटरडे के दिन आप लोगों को निबंध मिलता है लिखने के लिए, तो वो निबंध लिखना है, और संडे में आप लोगों को एक बेसिकली एथिक्स का क्वेश्चन में देता हूं, तो ये आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए रेगुलरली, इससे आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर आप लोग पूरे अच्छे से एग्जाम को पूरे प्रोसीजर में लेके चल रहे हैं, और आप लोगों के देखते ही देखते पूरे 29 डेज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, 29th डे आ चुका है नए साल का, तो कैसे आप लोग लेकर चल रहे हैं और नए महीने को कैसे आप लोग अपना तैयार कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो बनी रहे। देखिए जिंदगी में ना यार, एक बार को आप लोगों ने अपना वो प्रोडक्टिव बनाना सीख लिया ना, अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना सीख लिया, तो फिर किसी चीज की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए एक बार नजर डालते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सैटरडे आज, और सैटरडे को पता है आप लोगों को आर्टिकल जो है वो कम होते हैं, ओनली एक पेज आप लोगों को आर्टिकल का देखने को मिलता है, पर जितने भी है शानदार है। ये आर्टिकल सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में इंडिया के रिलेशन, कहा था ना मैंने 2 दिन पहले कि एक आर्टिकल आएगा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो ये आर्टिकल आ चुके हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा, काफी कुछ आप लोगों को बताऊंगा, इससे आप लोगों को हर तरीके से टॉपिक तैयार हो जाएगा। हमारी कंट्री में इलेक्ट्रोल बॉन्ड, यानी कि हम जो पैसा देते हैं इलेक्शन के टाइम पर, जो भी चंदा देते हैं किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है, और हर टाइम ऐसा आर्टिकल आप लोगों को तब देखने को मिलेगा जब जब देश के अंदर इलेक्शन आते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर कुछ कमियां हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसके ऊपर रोक नहीं लगाई है, इसके चलते बार बार ये आर्टिकल आते हैं। समझेंगे कैसे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही यहाँ पर देश की जो जुडिशरी की गरिमा को हनन करने लगे, तो फिर उसका क्या इलाज है? तो उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया, जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हमारे देश की जो जुडिशरी है उसके बारे में, ठीक है? तो देखेंगे क्या क्या मुद्दा है, ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट करने की जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है? इसी के साथ में यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये ग्राउंड जीरो आता है सैटरडे में, तो यहाँ पर जो अब की बार ये ग्राउंड जीरो प्रस्तुत किया गया, ये प्रस्तुत किया गया तेलंगाना के अंदर, ठीक है? तो तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि एक तरीके से कई सारे जो माओइस्ट हैं, ठीक है, तो एक तरीके से नहीं, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में, जो एक पर्टिकुलर रेड जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां जहां पर माओइज्म की एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर उसमें उनकी जान भी जाती है, और कई सारे जो है अभी फिलहाल सरेंडर भी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप लोगों को उठाकर एक बार एक टॉपिक तैयार कर लेना है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि इस तरीके से टॉपिक को तैयार कर लो A4 साइज के शीट पर, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं देखने को मिले। तो इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक तैयार होना चाहिए, और वैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है?
इसके ऊपर मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा और कई बार पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। फिर से कोई एडिटोरियल आएगा इसमें तो कोई लोकल इन्फॉर्मेशन वाली तेलंगाना किसी लोकल एरिया में कुछ बातें हो रही है उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा आर्टिकल तैयार करना है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कहां कहां पर ये माउस्ट की एक्टिविटी देखने को मिलती है, कहां कहां पर दिक्कतें निकल के आते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली उस तरीके से देखना है। ठीक है, तो सारे आर्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो जो भी यहां पर सेंट्रल एशियन कंट्री के बारे में अफगानिस्तान का क्या मुद्दा चल रहा है, ठीक है, इसी के साथ में हमारी कंट्री में जुडिशरी को लेकर क्या क्या कमेंट किया जा रहा है, तो ये सारे मुद्दों के साथ साथ में जब हम लोग एनालिसिस के ऊपर पहुंचेंगे अपना जो बेसिकली न्यूज का होगा उसमें काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे और एक दो दिन में इसके ऊपर आप लोग का एडिटोरियल भी देखने को मिलेगा। तो बताऊंगा इसको कुछ बातें जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझेंगे इसके बारे में। इसी के साथ में एक और यहाँ पर जुडिशरी के द्वारा बातें बोली गई, पार्लियामेंट को हिदायत देते हुए समझेंगे क्या क्या बातें हैं। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कुछ बातें की गई तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर जो रेलवे से रिलेटेड अभी जो एग्जाम रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उससे चलते यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई। इसी के साथ में यहाँ पर जो कोटे के बारे में बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो समझेंगे क्या मुद्दा है। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गूगल जो है वो 1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है एयरटेल में, यानी कि एयरटेल जो है वो जियो के टक्कर में आने वाली है, तो काफी बड़ी बात है यहाँ पर ये। रसिया के बारे में जो भी बात चल रही है यहाँ पर अभी समझेंगे, नेटो को लेकर उसको मुद्दे को समझेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर हमारी कंट्री में बात की जा रही है बूस्टर ट्रायल के बारे में, तो क्या चक्कर है उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है चार्जिंग व्हीकल, अगर बात करें इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन कहां पर बनाया गया, तो गुरुग्राम में, तो छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। एक और दुर्घटना देखने को मिली यहाँ पर, हमारा जो ट्रेनी प्लेन है वो क्रेश हो गया, तो ये कई बार ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि खतरनाक है। ये कुछ ऐसा डिफरेंट सा मुद्दा है जो सुनकर आप लोगों को मतलब थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि किसी कंट्री का जो एक तरीके से नहीं एक ऑफिसर है हमारे देश में कुरान डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो समझेंगे मुद्दा क्या है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में एक पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कहीं घूमने जाए तो। केरला के द्वारा अभी यहाँ पर बेसिकली केरला पुलिस के द्वारा ट्रेस किया गया 6 मिसिंग जो गर्ल्स हैं, खासकर जो चिल्ड्रन होम के अंदर रहती हैं, समझेंगे मुद्दा क्या है। कई बार ऐसे इश्यूज आप लोगों को लड़कियों से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। फिलीपीन जो है वो हमारी जो ब्रह्मोस खरीद रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा क्या बोला गया यूथ को वो समझेंगे हम लोग यहाँ पर, ऐसे स्टेटमेंट आप लोग यूज भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। इसी के साथ में न्यू को ये एक नया एक तरीके से कोरोना वायरस का एक नया वर्जन आप लोगों के सामने है, या फिर बोल सकते हैं एक नई महामारी बीमारी आप लोगों के सामने, समझेंगे कुछ बातें इसके बारे में। इसी के साथ में FTA के बारे में बात की जा रही है इंडिया और यूके के बारे में, समझेंगे। MSME के बारे में बात की जा रही है, वो भी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, तो एक डेटा आप लोगों के पास में होगा। सुडोकू है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए, अच्छे से आप लोगों का माइंड स्टेबल रहेगा और आप लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी एक तरीके से लिखने के समझने के लिए, ठीक है। पुतिन साहब के बारे में बात की जा रही है, अभी यहाँ पर ओलंपिक से रिलेटेड मुद्दा है तो समझेंगे इसके बारे में कुछ। इसी के साथ में वही सिक्योरिटी वाली बात है फिर से यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो श्रीलंका में क्या चल रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर RBI के द्वारा कुछ अप्रोच लेकर चली जा रही है, समझेंगे। नए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली बात की जा रही है NPA के बारे में थोड़ा समझेंगे। और रफाल नडाल की चांदी चांदी हो गई, क्यों? क्योंकि नोवाक जोकोविच जो है वो आउट ऑफ द रेस हो गए, तो ये हम लोग समझेंगे। और वीडियो के एंड में आप लोग क्वेश्चन जो आंसर थे उनके भी आप लोग को बताऊंगा, तो यानी कि डिस्कशन जो है काफी शानदार रहेगा, पूरा ओवरव्यू आप लोगों को शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा, तो वीडियो को अच्छे से सुनेगा एंड तक का, तो ये कहने का मेरा मतलब है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा उसी आर्टिकल के साथ में जो मैंने आप लोगों को बताया था सेंट्रल एशियन कंट्री, पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर कुछ आंसर राइटिंग या फिर एसे लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाता है तो यहाँ पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात की जा रही है पॉवर्टी इज लाइक ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम यू डिडंट कमिट, यानी कि एक तरीके से जो गरीबी है वो ऐसी है जो कि आप लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है फिर भी आप लोगों को यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है, और इसको आप लोग यहाँ पर ऐसे ही तरीके से लीजिएगा, एक ऐसे जैसे आपकी बार आप लोगों ने स्टेटमेंट के ऐसे देखे होंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से ऐसे ही कुछ ऐसे आप लोगों को दे जाए ताकि उनके बारे में सोचो थोड़ा बहुत आप लोग, ठीक है। तो एली खामरो के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई है, अगर आप लोग बात करें इस तरीके का कोई ऐसे आता है तो देखिए आप लोगों के पास में बहुत सारी स्टेटमेंट होती है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है रिसोर्सेज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो पहला गोल है वो पॉवर्टी के बारे में बात करता है, भुखमरी के बारे में बात करता है, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। और कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो उसके बारे में आप लोगों को आंसर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए। तो जो गरीबी है अगर किसी पर्टिकुलर इंसान कोई गरीबी में चल रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं किस किस चीजों पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसको हेल्थ अच्छी नहीं मिलेगी, उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, इवन डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो डे बाय डे की जिंदगी है वो इंसान जो है वो प्रॉपर वे में अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहा होगा। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो आगे डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर रुकते हुए नजर आएंगे,
तो बहुत सारे इश्यूज यहां पर आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर देख सकते हैं, जिनको आप लोग एक बड़े एरिया में आप लोग इसको ढाल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है यहां पर कि एक तरीके से जो चीजें बोली गई हैं उस पे कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करना। और चीजें देखिए, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है, मैंने वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना रखी है, अगर आप लोग जाकर देखोगे। आप लोग यहां पर देखना, जैसे ही आप लोग यहां पर स्टडी लवर चैनल के ऊपर जाओगे तो मैंने बता रखा है कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पर मैंने बता रखा है कि टाइम टेबल आप लोग कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी भी मैंने यहां पर पिन कर रखी है ऊपर ही। ठीक है, इसी के साथ में ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, ऐसे आप लोग कैसे लिखना है, कैसे सी सेट को लगभग 2 महीने में आप लोग कवर कर सकते हैं, सारी स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बना रखी है। तो जाकर इनको देखिए, जिसमें भी आप लोग कोई दिक्कत है, इवन पॉलिटी के सारे लेक्चर की भी प्लेलिस्ट मैंने यहां पर डाल रखी है। तो सब कुछ आप लोगों के सामने, बस आप लोगों को थोड़ी इच्छा होनी चाहिए यार चीजों को जानने की, समझने की, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने खुलकर अपने आप आ जाती हैं। तो ये है टेलीग्राम चैनल, लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जुड़े हैं, तो आप लोग भी यहां पर जाकर जुड़िएगा। इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप है यहां पर आप लोगों के सामने, आप लोगों को यहां पर देखता हूं डेली 2 क्वेश्चन देता हूं, बहुत सारे बच्चे आंसर लिखते हैं डेली, आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं, तो इससे आप लोग काफी कुछ जानने को मिलेगा। और बाकी SLB PDF है यहां पर, ये नोट्स वगैरह मैंने कल भी आप लोगों को बोला था यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूंगा, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैंने सारी चीजें प्रोवाइड कराई हैं जो जो मैंने बोली थी। ठीक है, और भी नोट्स यहाँ पर आते रहेंगे रेगुलर, जो मैंने बोल रखा है आप लोगों को, एक आर्टिकल मिलता है तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और डेली जो भी कोटेशन आप लोग की रहती है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि इकट्ठी आप लोग की एक जगह इकट्ठी हो जाए। ठीक है, तो इन सबको आप लोग देखते हैं। कल की जो कोटेशन थी वो 14 नंबर की थी, आज जो है 15 नंबर की कोटेशन है आप लोगों के सामने, जो कि ऐसे की तरीके से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर क्या क्या बात की जा रही है, तो एग्री जो हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर एपिडा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो किस मंत्री के अंदर आती है, किस मंत्रालय के अंदर आती है, तो ये आप लोग को बताना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने गर्ल चाइल्ड डे के बारे में बात की थी, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 24 जनवरी। पहली स्टेटमेंट, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ये फर्स्ट इनिशिएट किया गया था 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट, मेन फोकस रहता है कि एक एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल्स जो है उसको चेंज करना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, और सेक्स रेशियो जो रहता है उसको एक तरीके से सही करना। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोग को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 2015 में लॉन्च किया गया था, ताकि यहां पर एड्रेस किया जा सके जो सेक्स सिलेक्शन अबोर्शन होता है उसको रिड्यूस किया जा सके, उन्हें एक तरीके से कि देखते हैं कि यहाँ एक लड़की है तो उसको अबोर्ट कर दो, वो वाला मुद्दा। ठीक है, इसी के साथ में नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू द गर्ल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च की गई थी 2008 में, एम है प्रमोट करना एनरोलमेंट जो गर्ल्स एजुकेशन, जो गर्ल्स का बेसिकली गर्ल चाइल्ड का, ए सही है बी सही है, इनके ए में 1, बी में 2, सी में बोथ, ई एफ डी में नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। देखिए, या तो आप लोग कल के लिए वेट कर ले कीजिए इन क्वेश्चन के आंसर का, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर ले कीजिए, पीडीएफ में भी मैं इनके आंसर प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, तो ये पीडीएफ में सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठे मिल जाते हैं। पीडीएफ बनाने का मतलब यही है, सबसे ज्यादा मेहनत पीडीएफ में लगती है यार, जब पीडीएफ में एडिटोरियल के आप लोगों के नोट्स मिलते हैं, एक जगह इकट्ठे हो गए पूरे, आप लोगों को प्रॉपर सारे जो भी यहां पर देखो कितनी सारी चीजें कवर हो जा रही है, आप लोग ये देखो पूरा एक ओवरव्यू न्यूज़पेपर का दिया आप लोगों की, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोगों के सामने यहां पर कवर होगी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मिल गए, इसी के साथ में अब आप लोगों का एडिटोरियल का डिस्कशन होगा, उसके बाद में आप लोगों को वोकैबुलरी भी देखने को मिलती है, जहां जहां इंपॉर्टेंट जो जो लोकेशन है वो लोकेशन में आप लोगों को दिखाता हूं, आंसर राइटिंग आप लोगों को मिलती है, इतना सही पैकेज आप लोगों के सामने अगर प्रॉपर यूटिलाइज करोगे ना तो किसी भी एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बस वही है कि आप लोग कितना यूटिलाइज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझते हैं क्या क्या बातें हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में जब हम लोग बात करें, पहले आप लोग इनको मैप में निहारिए, अभी हमारी कंट्री में इनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, पर लेकिन दिक्कत क्या रह गई यहां पर, कोरोना के चलते यहां पर ये हमारे देश में नहीं आए, तो यहां पर आप लोगों को सेंट्रल एशियन कंट्री देखने को मिलेगी, जैसे कि बात करें यहां पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये जो कंट्री है ये काफी रिसोर्सफुल कंट्री है, पर लेकिन इनका दुर्भाग्य ये है कि ये चारों ओर से जमीन से घिरी हुई है, तो अगर इनको कहीं पर जाना है तो इनसे यहां पर इनको हेल्प लेनी पड़ेगी पड़ोसी देशों से, या तो ये यहां पर ईरान से हेल्प लें कि भाई साहब हमको इंडियन ओशन में जाने का मौका दे दो। ठीक है, या फिर ये पाकिस्तान से हेल्प लें यहां पर कि भाई साहब हमको कुछ सारा रास्ता प्रोवाइड करा दो, और पाकिस्तान कर भी रहा है ऐसा, या फिर अफगानिस्तान पर, लेकिन अफगानिस्तान तो बेचारा खुद ही दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या हेल्प करेगा। तो अभी हमारा देश जो है यहां पर सेंट्रल एशियन कंट्री के पास पहुंच रहा है, क्योंकि रिसोर्स काफी ज्यादा है एनर्जी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बोल सकते हैं, एनर्जी में जैसे क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, इसी के साथ में जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए, जो हमारी कंट्री में अगर बात करें, हम लोग आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाते हैं बिजली बनाने के लिए, तो उसमें यहाँ पर ये काफी ज्यादा यूरेनियम की भरमार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये कि प्रोडक्टिव है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी एक और इंपोर्टेंट मुद्दा, तो चाइना यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, यानी कि चाइना ने यहाँ पर पहले न्योता भेज दिया है, जब हम लोगों ने न्योता भेजा, अब यहाँ पर ये भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो सब बहुत सारे यहां पर बातें डिस्कस की गई, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हुआ चलता हूं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टूड कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हमारी कंट्री का इंडिया और सेंट्रल एशिया का एक वर्चुअल समिट अभी यहां पर देखने को मिला 26 जनवरी के दिन, जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको इनवाइट किया था, उसके बाद फिर यहां पर आप लोगों को ये वर्चुअल समिट देखने को मिला। देखिए दोनों कंट्री को कैसे कनेक्ट कर चल सकते हैं, तो बात की जा रही है कल्चर सबसे अच्छा तरीका होता है, सिविलाइजेशन सबसे अच्छा तरीका होता है, और लोगों का लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट वो भी सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन भाई साहब आप लोगों ने सुना होगा एक गांव में शादियां नहीं हुआ करती थी, तो पूछा गया भाई साहब इस गांव में शादियां क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब इस गांव में जाने का रास्ता नहीं है कोई ढंग से, कि लोग जो है यहां पर जा सके, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो भी रास्ते हैं वो टूटे फूटे पड़े हुए हैं, बड़ी ही दिक्कत देखने को मिलती है, इसलिए लोग अपनी लड़की भेजना पसंद नहीं करते यहां पर, कि कनेक्टिविटी की बड़ी इश्यू है। इसी तरीके से हमारे साथ में कनेक्टिविटी की इश्यू आती है सेंट्रल एशिया को लेकर, तो हमारे देश से सेंट्रल एशिया में व्यापार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाई साहब कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। और कनेक्टिविटी नॉर्मली कहां से होती है, लैंड रूट से होती है अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो, और या फिर पानी के रूट से होती है। पर लेकिन जब कंट्री ऐसी जगह गुफ्त होकर बैठी हो जहां पर आने जाने का कोई रास्ता ही ना हो तो फिर क्या किया जाए, और पड़ोसी देश जो है वो इतने प्यारे हो कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने बोला था पाकिस्तान से कि भाई साहब दे दो कनेक्टिविटी हमको अफगानिस्तान तक, तो उसने दी नहीं, पाकिस्तान उधर दे गए, अफगानिस्तान में बेचारे भूखे मर रहे हैं लोग, और उसको खाना तक पहुंचाने की बात नहीं की। तो यहां पर ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, हालांकि वो हमारी स्ट्रेटजी थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नंगा करने की दुनिया के सामने, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अफगानिस्तान के रहनुमा है। पर लेकिन जब हम लोगों ने बोला कि यहां पर सामान भेज रहे हैं तो इन्होंने हम लोगों को मना कर दिया। ठीक है, सामान पहले तो अलाउ कर दिया पर फिर बोला ऐसा करो हमारे ट्रक में भरकर तुम यहां से भेजो और फिर हम लोग अपने ट्रक में भरेंगे इनको और फिर वहां पर पहुंचा देंगे। इंडिया वाले बोले कि बेवकूफ बना रहे हो, वो बहुत सोचेंगे हमने यहां पर कि पाकिस्तान से नहीं, ये एक तरीके से इंडिया से नहीं, पाकिस्तान ने हमको हेल्प भेजी है, तुम अपना ही पेट पाल लो पहले, दूसरों को तो तब हेल्प भेजोगे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज निकल कर आए। चलिए जो भी है, तो मुद्दा यहां पर ये कि कनेक्टिविटी का इशू काफी ज्यादा खतरनाक है जिसके बारे में बातें की जा सकती हैं, जो कि सोचने वाला मुद्दा है। तो इसके चलते यहां पर यही मुद्दा यहां पर निकल कर आया, और इसी के साथ में अफगानिस्तान के बारे में बात की काफी कुछ, क्योंकि अफगानिस्तान भी अभी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया तब से लेके जब से यहां पर तालिबान आ गया। देखिए अफगानिस्तान के साथ में ना कनेक्टिविटी उसका भी यही इशू है, चाबार पोर्ट हम लोग इसीलिए डेवलप कर रहे हैं यहां पर ताकि अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी बना सके और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में भी कनेक्टिविटी बना सके, ईरान के थ्रू या फिर अफगानिस्तान के थ्रू, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है यानी कि पाकिस्तान जो है बेटा वो काम ढंग से नहीं कर पाता है, दिक्कत ये देखने को मिलती है, बदतमीज बेटा नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे जो है बदतमीज हो जाते हैं, तो ये इंडिया का बदतमीज बेटा है जो कि आप लोग ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी, तो इसके चलते कई बार ऐसे इशू बन जाते हैं। तो इसके चलते हम लोग भी यहां पर कनेक्टिविटी के मुद्दे ढूंढ रहे हैं कई सारे, तो इसी के चलते यहां पर निकल कर आता है ये आप लोगों के सामने रूट। ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आप लोग इसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड जो रूट था वो ऐसा हुआ करता था यहां पर, ये यहां से होता हुआ इस तरीके से जाता था मेडिटेरेनियन सी से होते हुए और इस तरीके से, पर लेकिन हम लोगों ने ये जो जमीन के रास्ते रूट ढूंढ लिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रूट होता जा रहा है जो कि इसको डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर यहां पर ये मिल रहा है, यानी कि यूरोप एशिया को यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, और इधर से अफ्रीका के थ्रू यहां पर होते हुए चीजें जा रही है। तो जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसी तरीके की झलक आप लोगों को यहां पर इसमें भी देखने को मिलेगी, तो ये काफी बड़ी बात है, तो इसको आगे लेकर चलने की बात यहां पर की जा रही है जिसको आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अभी क्या क्या चीजें चल रही है मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं आर्टिकल के थ्रू एक एक पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यहां पर ये पांच जो सेंट्रल एशियन कंट्री है इनके साथ में इस तरीके से डायलॉग कर रहे हैं, और पहली बार इस तरीके से ये एक डायलॉग आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि यहां पर प्रॉपर वे में आगे रिलेशन ले जाने की बात की जा रही है। इससे पहले माहौल बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब के द्वारा, और वो आप लोगों को पता है हमारे जेम्स बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अजीत डोभाल साहब, तो इनके द्वारा माहौल बनाया गया था पहले, ऐसी बात नहीं है कि अभी चीजें चल रही हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं चीजों को लेकर कि हाँ कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, तो उसी के चलते हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहां पर अगर बात करें तो हमारा जो व्यापार है आज के डेट में अगर बात करें वो भी मेनली कजाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत कम है, 2 बिलियन के करीब आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जबकि चाइना का यहां पर अगर देखेगा हमसे भाई साहब बहुत ही ज्यादा है, यानी कि 41 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसको आने वाले टाइम में यहां पर 2030 तक का ये 80 बिलियन करने की बात की जा रही है। सोचो कि 100 बिलियन के करीब यहां पर चाइना का व्यापार है, और ये तो भाई साहब उससे अलग है जिनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो तो ये इसमें काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो है वो थोड़े लेट हो गए यहां पर पहुंचने में, ऑलरेडी जो है यहां पर चाइना जो है वो माहौल बना चुका है काफी लार्ज स्केल पर, और ये कंट्री ऐसी है इनको यहां पर चाइना जैसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी है यहां पर, तो इसलिए यहां पर आप लोगों को ये माहौल इस तरीके का नजर आ जाएगा। तो ये सारे इश्यूज जो है वो इसी के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमते हुए नजर आएंगे। तो हम लोग चाबार पोर्ट अगर डेवलप कर देते हैं तो यार लोगों के पास में जब ऑल्टरनेटिव रहते हैं ना, तो फिर वो उसको यूज करना स्टार्ट कर ही देते हैं। कल को चलकर क्या रहेगा अगर चाइना उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो कम से कम इनके पास में एक बार्गेनिंग पावर भी आ सकती है कि भाई साहब तुम नहीं करोगे तो इंडिया को बुला लेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। तो चाबार पोर्ट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, पर लेकिन चाबार को लेकर भी हमारी कई सारी दिक्कतें हैं। मान लीजिए हम लोग यहां पर चाबार के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं,
कई बार यूएसए जो है यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है ईरान से और बार बार बोलता है हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। पता चला हम लोगों ने बिलियन डॉलर यहाँ पर खर्च कर दिए और यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, तो ये काफी बड़ा इशू देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया जो है वो कई बार यहाँ पर इसको लेकर टेंशन में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वरना ग्रेट एक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसके चलते रोड एंड रेल के जो लिंक बनाए जाएंगे ईरान से और सारी चीजों को हम लोग कनेक्ट करके दे सकते हैं, लेकिन यूएसए के सैंक्शन की वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा पीछे रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ में वरना हम लोग चाहे हम लोगों ने पहले बोला था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान भाई हमको रास्ता दे दे यार, हमको सामान लेकर जाना है उधर से सामान लेकर आना है, पर पाकिस्तान आप लोगों को पता है पाकिस्तान तो एक तरीके से बताया ना बदतमीज लड़का है, तो इसलिए यहाँ पर उसने जो है अपने पापा को ही मना कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत बात यहाँ पर देखने को मिली। तीसरा जो मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया वो थर्ड ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली रसिया ईरान इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये है अभी यहाँ पर जिसके ऊपर हम लोग काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हम लोग प्रॉपर वे में डेवलप करके इसको आगे लेकर चल पाते हैं तो इससे काफी फायदा देखने को मिलेगा। पर इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो है वो इसके मेंबर नहीं है। चलिए कोई नहीं, मेंबर नहीं है तो आगे बुला लेंगे न्योता देकर के, आओ भाई आओ एंजॉय करते हैं, तो वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी इंडिया का एक और मुद्दा है काफी इंपोर्टेंट जो कि एनर्जी के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया हमारा देश जो है लगभग 85% क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से खरीदता है और लगभग 55% गैस जो है वो बाहर से खरीदता है। इंपोर्टेंट डेटा है, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर हो गया मैक्सिमम चीजें हम लोग अपने देश में जो भी यूज करते हैं वो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग को इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर एक तापी पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान से आती है, जिसको तापी जो नाम रखा गया है, टी का मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान, पी का मतलब होता है पाकिस्तान और आई का मतलब होता है इंडिया। तो पहले यहां पर पाकिस्तान को लेकर हमारी चिंता रहती थी कि यार तापी पाइपलाइन है पाकिस्तान आने नहीं देगा और दिक्कतें देखने को मिलेगी, पर लेकिन अब तो पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान में भी टेंशन हो गई। क्यों, उस टाइम पर तो हमारे दोस्त बैठे हुए थे यहां पर अशरफ गनी भाई साहब पर, लेकिन अब यहां पर कौन आ गया, अब आ गया तालिबान। तो तालिबान के साथ में हम लोग कैसे भाईचारा कर रहे हैं तो वो देखना पड़ेगा और उसके बेस पर यहां पर ये पाइपलाइन आगे चलेगी। और तालिबान भी अभी खुद ही अपनी नहीं कहते कि लंगोट उठाकर घूम रहा है इधर उधर की कोई मुझे मान लो, तालिबान को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि तालिबान एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, कोई भी इसको अब तक एक तरीके से रिकग्निशन नहीं दे रहा है। तो ये इसलिए घूम रहा है सब जगह और दुनिया भर का पैसा यहां पर जो दिया करता था इसको बेसिकली यूएसए ने सारे अकाउंट जो फ्रीज कर दिए। तो आज की डेट में तालिबान जो है वो कटोरा लेके घूम रहा है और यहां पर बड़ी ही बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। इसलिए ओस्लो आप लोगों ने देखा कि ओस्लो गए तो ओस्लो में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पर देखने को मिला कि भाई साहब क्या चल रहा है। चलिए जो भी है आगे आने वाले टाइम में देखते हैं। तो जब से यहां पर तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान के अंदर में तब से यहां पर कंसर्न जो है वो और ज्यादा बढ़ गए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। देखिए इन्होंने कितनी गंदी गंदी हरकतें यहां पर करी है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। आज की डेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर में जो लड़कियां हैं उनको वहां पर ना तो स्कूल में देखने को मिल रही है, ठीक है, ना ही काम पर कहीं देखने को मिल रही है। लड़कियों को सबको पैक करके रख दिया इन्होंने साइड में, जैसे किसी प्रॉपर्टी हो इनकी, उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। ओस्लो में जब ये पहुंचे तो वहां पर भी इनका पूरा डेलीगेशन जो था वो सारे मजे में गए वहां पर, और वहां पर इनके द्वारा सारे जो है मैन गए, बेसिकली कोई भी वुमेन वहां पर नहीं थी। तो पूछा गया भाई साहब वुमेन क्यों नहीं है यहां पर, तो यहां पर इनके पास में कोई जवाब नहीं था। इनके द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में मार्च में लगभग आकर ये क्या करेंगे, लड़कियों के लिए स्कूल वगैरह ओपन करेंगे जहां पर कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं, देखते हैं किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो अफगानी यहां पर इनकी करेंसी होगी और काबुल यहां पर कैपिटल होगी। तो आने वाले टाइम में क्या कंडीशन है वो आप लोगों को बता दी जाएगी। बाकी आज से पहले यहां पर दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट किया गया था यूएसए के द्वारा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं दुनिया भर की सड़कें बनाई गई थी इनके द्वारा, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर काम किया गया, लिटरेसी बढ़ी, ये अर्बनाइजेशन बढ़ाया गया यहां पर। तो ये सारा लगभग 20 साल में जो यूएसए के द्वारा यहां पर काम किया गया था वो अभी यहां पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा खत्म कर दिया गया। तो मुद्दा यह है कि किस डायरेक्शन में यहां पर अभी आने वाले टाइम में ये चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कहां कहां पर चीजें जो है यहां से पहुंचती हैं। तो कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते अभी यहां पर इसके बारे में बातें की गई कई सारी। इसी के साथ में यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है कि जो समिट है उसकी स्टेटमेंट अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉपर देखोगे तो जो थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो एक तो एंगेजमेंट की बात की जा रही है प्रॉपर वे में, ठीक है, अफगानिस्तान चाबार पोर्ट को कैसे लेकर चलना है, एजुकेशन और कल्चर को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारे द्वारा बातें की गई है। तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम लोग को सेंट्रल एशियन कंट्री में एंट्री मिल सकती है, पर लेकिन ये जो मौका होता है इतनी आसानी से मिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कई लोग जो है वो धाक लगाए बैठे रहते हैं, जैसे रसिया ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लेयर है इस रीजन का, और चाइना जो है वो बिगेस्ट एक तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचागत प्रोजेक्ट चला रहा है। तो हमारे लिए सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ में अपने रिलेशन बनाना वो अभी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमारे आड़े जो है हमेशा चाइना आप लोगों को खड़ा देखने को मिलेगा। पर फिर भी एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम लोग आगे चलकर चीजों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी आप लोगों का मन करे आप लोग जिंदगी को चेंज कर सकते हो, तो ऐसे ही हम लोग यहां पर भी चेंज करने वाले हैं।
हालांकि पाकिस्तान जो है वो पूरा कूद कूद कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ग्वादर और कराची के जो पोर्ट है उससे सेंट्रल एशियन कंट्री को मैं क्या करूंगा, उसको इंडियन ओशन में जाने की एंट्री दूंगा। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान जो है बार बार ये कहते हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों होते हो, मेरे पास में आओ ना तुम, मैं तुमको एंट्री दूंगा, यहां पर आसानी से तुम जा सकते हो, यहां पर अरेबियन सी के अंदर में। तो पाकिस्तान भी यहां पर अपनी जो रोटियां हैं सेकने पर लगा हुआ है। और यहां पर इसी तरीके से तो बोला जा रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा फुर्ती से काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना जो है इन्वेस्टमेंट डबल कर रहा है, सारी चीज चल रही है, हमसे पहले वो न्योता लेकर पहुंच गया कि पहले शादी में जरूर होना, तब तक हम पहुंचे अपने की गणतंत्र दिवस में आना, तो उससे पहले पाकिस्तान चाइना रसिया जो है वहां पर अपनी जो निगाहें डगाए बैठे हैं। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस टाइम पर हम लोग को कैसे चीजों को लेकर चलना है, एक बैलेंस कैसे बनाना है। थोड़ा सा नहीं कहते कि एक तरीके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात हो जाती है, चलो लेट आए तो बेस्ट सर्विस आप लोगों को कम से कम प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये मुद्दा है यहां पर, तो इसके बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कई बार आप लोगों से यहां पर ये चीजें पूछ ली जाती हैं जिसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये आर्टिकल आप लोगों के सामने। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता क्या है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कुछ ऐसा आप लोगों को पेपर का एक पीस देखने को मिलेगा, अगर आप लोग चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोगों को चंदा देना है तो ये पेपर का पीस जो है वो एसबीआई से आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। एसबीआई आप लोगों को ये पेपर का पीस देगा। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने मान लीजिए आज के में 10,000 रुपए पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है, तो आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद कर लेकर आओगे और ये 10,000 रुपए जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। आप लोगों के हाथ में इलेक्ट्रोल बॉन्ड रहेगा और वो जाकर आप लोग क्या करोगे, वो जाकर आप लोग जमा कर दोगे। तो इसके चलते यहां पर देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा डोनेट कर दिया। आप लोग बोलेंगे हम क्यों चंदा डोनेट करें, ऑलरेडी वोट तो दे रहे हैं उनको। तो देखिए इसके बारे में अभी बताऊंगा, आप लोगों की बात नहीं की जा रही है, जिनको रिक्वायरमेंट है वो यहां पर डोनेट करते हैं। पर लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पर ये कि ये जो यहां पर अभी जो मुद्दा चलता है यहां पर ये डोनेशन का, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक वो केस सुना नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, उसमें चलते काफी बड़ा इशू बन जाता है। अभी हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से चीजों को इग्नोर करते हैं अगर कोई ऐसा इशू चलता है, क्योंकि लंबे समय से इशू चला हुआ है, पब्लिक इंपोर्टेंस का है। कई सारे राज्य में पहले भी इलेक्शन हो चुके हैं, 2018 में यहां पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड आए थे और तब से लेकर 2021 में हम लोग खड़े हुए, मतलब 22 में खड़े हुए, 21 भी चला गया। तो तब से यहां पर अब तक ये इशू जो है वो ऐसा का ऐसा लटका पड़ा हुआ है। पहले समझिए आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है यहां पर ये सिटीजन खरीद सकता है इंडिया, या फिर आप लोगों कंपनी को ही देखने को मिलेगी जो कि इंडिया के अंदर यहां पर है। ठीक है, तो वो यहां पर खरीद सकते हैं एसबीआई से। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि ये पेबल है यहां पर, अगर आप लोग इसको पे करना चाहते हैं तो यहां पर ये फ्री इंटरेस्ट फ्री है, यानी कि आप लोग की जो भी यहां पर पैसा देंगे उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी कि ऐसा है जैसे आप लोग दान कर रहे हैं मंदिर में, ठीक है, कि भगवान आप लोगों की रक्षा करेगा। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दोगे तो वो आप लोगों की रक्षा करेंगे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, मैंने बताया जैसे कि, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम लेकर आएगी उसके हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आप लोग यहाँ पर 1,000 रुपए दे सकते हैं, इसी के साथ में 10,000 दे सकते हैं, 1,00,000 दे सकते हैं और 1 करोड़ भी दे सकते हैं अगर आप लोगों को मन करता है। यानी कि मिनिमम 1,000 है और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए आप लोग यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। KYC यानी कि नो योर कस्टमर जो है वो आप लोग के अकाउंट से होना चाहिए और 50 ये यहाँ पर वैलिड होता है ओनली 15 दिन। यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने अकाउंट में नहीं पहुंचाया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कि इसको जल्दी से जल्दी अकाउंट तक पहुंचाना है। तो ये भी मुद्दा है। जनवरी अप्रैल इसी के साथ में यहाँ पर जुलाई और अक्टूबर, तो ये यहाँ पर 10 दिन का यहाँ पर एक गैप मिलता है आप लोगों को। यहाँ पर बेसिकली जनवरी के 10 दिन, अप्रैल के 10 दिन, जुलाई के 10 दिन और अक्टूबर के 10 दिन में आप लोग इस बॉन्ड को खरीद सकते हो। क्या सब खरीद सकते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा होता तो पता नहीं कौन कौन लिए घूमता। यहाँ पर सेक्शन ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यानी कि जो ये कानून है हमारे देश में जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यानी कि जो हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन है वो अगर यहाँ पर एक प्रॉपर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और इसी के साथ में उसने लास्ट जो इलेक्शन हुए उसमें एटलीस्ट कम से कम 1% वोट उसको मिली हो, यानी कि कम से कम जितनी वोटिंग वहां पर हो रही थी 1% वोट उसको मिली हो, चाहे तो जनरल इलेक्शन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं या फिर यहाँ पर असेंबली यानी कि स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें, तो ही वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो रिसीव कर पाएगा। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा क्या है यहां के, आप लोगों ने बैंक से खरीद लिया, यहां पर आप लोगों की जो एक तरीके से आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाएगी, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग दे रहे हैं वो आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया, सब कुछ जो है वो अंदर ही अंदर चलेगा। तो किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना लोन जा रहा है, कितना चंदा जा रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एनोनिमिटी का शिकार बन गए। तो यहां पर इसके चलते यहां पर दिक्कतें क्या है, यहां पर कई सारे चार्ज यहां पर लगा रखे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर और सुप्रीम कोर्ट के रेस्पॉन्स की वेट कर रहे हैं। पहला क्या यहां पर बोले जा रही है कि इसके अंदर एनोनिमिटी है, यानी कि ठीक क्या है, मतलब
कि इंश्योर करना है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है ठीक है तो हो रहा है कि चलो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रहा है, पर लेकिन यहाँ पर प्रोवाइड कौन करा रहा है यहाँ पर ये पैसा, उसका नाम सामने नहीं आ रहा है ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पर नाम नहीं लिखा होता है। तो जो स्कीम है वो प्रोवाइड करा रही है एनोनिमिटी ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी बड़ी बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है यहाँ पर ये है कॉर्पोरेट हाउसेज ठीक है, फाइनेंस कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। एक टाइम ऐसा था, आप लोग समझिए यहाँ पर ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा होगा, आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, एक टाइम ऐसा था कि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते थे ओनली 7.5%। 7.5% मतलब यानी कि जो भी आप लोगों ने अब तक का प्रॉफिट कमाया है अपने लास्ट 3 साल में, उसका 7.5% जो है वो आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते थे ठीक है। तो यहां पर एक कैप उसके ऊपर लगी हुई थी कि 7.5% से ज्यादा आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं दोगे। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा क्यों नहीं दे सकते हैं? यार भाई साहब रीजन है, अगर कोई किसी को आज के डेट में पैसा दे रहा है, अपनी मेहनत की कमाई दे रहा है, तो भाई साहब वो फ्री में नहीं देगा, उससे कुछ फिर वो वसूल भी करेगा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब वो यहां पर वसूल करने का मुद्दा आएगा तो फिर यहां पर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो करप्शन का शिकार होती नजर आएगी उस इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए, क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उनके पेट में पैसा भरा है उस टाइम पर जब यहां पर उनको रिक्वायरमेंट थी। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ये करप्शन का काफी बड़ा शिकार हो जाता है। तो पहले 7.5% दे सकते थे लास्ट 3 साल में जो भी प्रॉफिट एक कंपनी के द्वारा कमाया गया, अब ये जो लिमिटेशन है हटा दी गई है उनके द्वारा, ये बोला गया पूरी कंपनी भी लाकर अगर पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में डाल दोगे ना तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर हो गई, पता चला जो आज के में जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है समझ में आ गया, चलो वो चंदा दे रही है। अब सोचो एक ऐसी कंपनी जो कि एक तरीके से नहीं एक बैसाखी के सारे चल रही है, कभी भी डूब सकती है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लाकर अपनी कमाई का 50% जो है उसने उस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो वो तो भाई साहब इसलिए दे रहे ना क्योंकि कल को कोई ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जा सके ताकि इसको डूबने से बचाया जा सके। तो इसलिए यहां पर बोला गया ये गलत है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। फॉरेन कॉर्पोरेट बॉन्ड बाय कर सकते हैं यहाँ पर, इसके अंदर भी चीजें डाली गई ठीक है, अगर चाहे तो यहाँ पर तो बॉन्ड जो है वो परचेज किया जा सकते हैं बाय द पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है, और एक तरीके से यहाँ पर इनकॉर्पोरेट और एस्टेब्लिश इन इंडिया ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला, तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कोई इंडियन सिटीजन है ठीक है तो वो भी यहां पर इस तरीके से आकर बाहर रह रहा है, इस तरीके से आराम से काम कर सकता है ठीक है। तो फॉरेन कॉर्पोरेट जो एक तरीके से यहां पर अगर बाय करेंगे तो फिर इन्फ्लुएंस भी करेंगे यार, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर कोई पैसा देगा तो फिर उसको चाहिएगा कि हाँ उसकी जो इच्छा है उनको पूरा किया जाए। आज इस तरीके से जो यहां पर बॉन्ड्स है ठीक है वो एक तरीके से व्हाइट मनी को एक तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का भी काम कर सकते हैं। बॉन्ड खरीद लिया अपनों को, कोई ट्रेस ही नहीं कर रहा आप लोग कहां से पैसा आया, तो ये सारा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल सकता है जो कि काफी बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि कोर्ट के सामने पड़े हुए हैं और कोर्ट जो है कोर्ट के जो कान है उस पर जूनी सरक रही है। तो राइटर का मानना यह कि जैसे अभी हमारी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं तो ऐसे बार बार जब भी यहां पर इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं तो इनके ऊपर आप लोगों को बात करनी चाहिए, आप लोग इन मुद्दों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये काफी बड़ा इश्यू है। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, इश्यूज क्या इनके बारे में बताना चाहिए, और बाकी का इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों को बताइए, कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं। हमारी कंट्री में 25 जनवरी को आप लोगों को पता है अभी यहां पर जो हमारा वोटर्स डे जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा इसके बारे में। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखते हैं और अपनी वोट का अधिकार जो है वो सोच समझकर किया करो यार। ये वोट जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है, आप लोगों को लगता है फ्री में मिल रही है क्या ही करना है एक बार वोट देकर जाकर डाल दो, नहीं इसको ऐसे मत देखा करो, ये अधिकार है आप लोगों का, इसको अगर ढंग से यूटिलाइज करोगे तो झंडे गाड़ सकते हो आप लोग अपने देश के अंदर में। तो कोई भी ऐसी चीजें होती है तो उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि हाँ वोट ही है किसी को भी दे दो चली क्या रहा है इसमें फर्क ही क्या पड़ रहा है, ऐसे नहीं देखना है ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल टूल है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए लड़ाई की है अपने देशों में ठीक है। तो समझिएगा। बाकी यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें मैंने मेंशन कर दी है, जैसे आर्टिकल 324 जो है वो यहां पर पावर देता है, ये आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं। इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट जो 1989 में किया गया था इसके चलते हमारी कंट्री में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। अच्छा ये बताइए जो मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया ठीक है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर आप लोग बोल सकते हैं कि जो एज थी यहां पर जो पहले 18 साल 21 साल हुआ करती थी वोटिंग डालने की, वो 18 साल कर दी गई। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन करके यहां पर उसको किया गया था ये बताइए। बाकी पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ना कि यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये ऐसा क्वेश्चन है सॉरी यार, तो ऐसा क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को इसलिए बताता रहता हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस दे दिया करते हैं क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पूरा मुद्दा यहां पर ये कि भाई साहब की कोर्ट जो है वो आए और इसको सुने और इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले ठीक है। आगे चलते हैं, ये आर्टिकल आप लोग काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, कई सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बातें की गई है और वो मुद्दे क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने एक पिक्चर दिख रही है, ये है हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है रंजन गोगोई ठीक है। तो रंजन गोगोई साहब के द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली गई जिससे बोला गया कि पूरे जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर एक उंगली उठाने का मौका मिल गया लोगों को, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में आया था।
10 दिसंबर को पिछले मतलब 2021 में इनके द्वारा कुछ बातें बोली गई। बोला यह गया कि भाई साहब जो जज है ना वो नहीं ऐसे नहीं इनके द्वारा बोला गया, जो जज है वो हेवन से नहीं निकल कर आए, इनके स्वर्ग से निकल कर नहीं आए। तो करप्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो करप्शन इज ए ओल्ड एज सोसाइटी, यानी कि एक तरीके से करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में करप्शन इतना ही पुराना है, इतना ही बूढ़ा है करप्शन जितनी बूढ़ी हमारी सोसाइटी है, यानी कि जितनी पुरानी हमारी सोसाइटी है उतना ही पुराना आप लोगों को यहां पर करप्शन देखने को मिलेगा। और उसी सोसाइटी का पार्ट है हमारी कंट्री में जो जज, तो इसका मतलब भी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि जज जो है वो करप्ट नहीं होंगे। तो ये बातें इनके द्वारा यहां पर बोलेगी, तो बड़ी बात बोलकर चले गए भाई साहब कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते यहां पर कई सारे मुद्दे देखने को मिले कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर ऐसी बात बोल दी तो इसका मतलब यह कि करप्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो उसी के चलते पूरा आर्टिकल जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द इनके द्वारा घुमाया गया। देखिए हमारी कंट्री में एक पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में कि जो भी केस है वो जिसको चाहे उसको वो केस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो जज है यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको यहां पर काफी ज्यादा पावर दे रखी है। तो इसके चलते यहां पर इनको मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर मतलब जो भी डिसीजन है यहां पर ये खुद लेंगे। इवन अगर कुछ कल को अभी आप लोगों ने देखा इनके खिलाफ आरोप लगा दिए गए थे तो इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई और वो जो कमेटी थी यहां पर बेसिकली जो केस को देख रही थी इनके खिलाफ वो भी यहां पर इन्हीं के द्वारा बेसिकली हेड करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे भी मुद्दे देखने को मिले। हालांकि बाद में इशू ये निपट गया, काफी बड़ा मुद्दा बन गया था कि इनके द्वारा अपनी किसी जो क्लीग है उसके साथ में छेड़खानी की थी, तो सारे कई सारे इशू यहां पर निकलकर सामने आए थे। तो यहां पर ये ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं। पर लेकिन अभी यहां पर अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात की जा रही है। ये आप लोगों को दिख नहीं रहा यार, एक मिनट रुको मैं इसको ट्राई करता हूं आप लोगों को दिखाने की। अब शायद आप लोग इसको देख पा रहे हैं ना आप लोग इसको, तो यहां पर इसी के बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। एक सेकेंड, मेरी पेन कहां ले गई, एक सेकेंड, चलो हाईलाइटर यूज करता, ठीक है। तो यहां पर जो आप लोगों के सामने यहां पर ये लिखा हुआ है इसमें एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात की जा रही है जो कि 1953 में आया था, ठीक है। तो बात की जा रही है ब्रह्मा प्रकाश जो शर्मा है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस निकल कर आया था। तो इस केस में यहां पर जो जजेस हैं उनके द्वारा कुछ बातें बोली गई थी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज के टाइम आप लोग यूज करते हैं ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये नहीं कि तुमने जजेस को कुछ बोल दिया मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जज की बेइज्जती होगी, तो ऐसा नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पर्टिकुलर जज के लिए यहां पर कुछ बोल दिया उसको गलत है, यहां पर उसको कि इंडिविजुअल को फायदा पहुंचाने के लिए जज के पास में पावर दे रखी है, नहीं। ये यहां पर आप लोगों को सोसाइटी के लिए है, बेसिकली लोगों के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट में है यहां पर ये, एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट को अथॉरिटी दी जाती है ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनाकर रखा जा सके एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर अगर बात करें जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं है ताकि जजेस के खिलाफ कुछ बोल दे और जजेस को ये पावर दे रखी है, तो आप लोगों का ये देखने का तरीका ही गलत है। तो यहां पर अगर आज की डेट में कोई भी इस तरह की हरकतें निकल कर आ रही है तो यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो पब्लिक के फेवर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना कि तुम्हारे लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ये समझाने का मतलब क्या था, समझाने का मतलब यहां पर ये था कई सारे जज जो है उसको ये ऐसे समझ लेते हैं कि यार ये तो हमारे लिए बना रखा है तो तुम्हारे लिए नहीं है यहां पर, तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो यहां पर दुष्यंत साहब है यहां पर वो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनके द्वारा यहां पर ये आर्टिकल लिखा जा चुका है और फॉर्मर ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन के, तो इनके द्वारा काफी डिटेल में अंदर की बातें यहां पर निकाल कर रखी गई। इनके द्वारा बोला गया जस्टिस रंजन गोगोई थे उस टाइम पर, इनके हिस्से में जितने भी केस आए बहुत बड़े बड़े और ताकतवर केस आप लोगों को देखने को मिले, आप लोगों ने देखा जैसे कि राम मंदिर वाला केस और भी बहुत सारे, तो एक था यहां पर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का केस, और भी कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले। लगभग 8 ऐसे केस थे बड़े बड़े बहुत तकड़े केस जिनमें हजारों करोड़ रुपए का पैसा लगा हुआ था। ऐसा ही एक केस था यहां पर गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड वाला केस, उसमें 11,000 करोड़ का केस था यहां पर ये, और ये 11,000 करोड़ सारे जितने भी केस गए ये सारे बिजनेसमैन के फेवर में गए। यानी कि राइटर ये बोल रहे हैं जब इन्होंने बोल दिया कि करप्शन सोसाइटी में इतना पुराना है जितनी पुरानी सोसाइटी है, तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कोई कोई ना कोई करप्शन यहां पर देखने को मिला होगा। जो भी केस थे वो सारे के सारे केस थे वो इनके यहां पर फेवर में गए, किसके, पॉलिटिकल पार्टी के, जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं मतलब बिजनेस जो पार्टी है उसके फेवर में वो केस गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी कुछ ना कुछ यहां पर ऐसा कुछ किया होगा, वो इनके द्वारा बोला नहीं गया पर लेकिन देखने में मिलता है क्योंकि सारी पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होती है, ठीक है। और इनके द्वारा अपनी इस पोस्ट का बखूबी मजा यहां पर लिया गया अगर इनके हिसाब से माने, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सारे केस थे वो सारे बिजनेस के फेवर में गए, कोई भी उनके अपोजिट में नहीं गया, और सारे बड़े बड़े केस थे यहां पर हजारों करोड़ों के। तो यानी कि इनका मतलब यह कि जब इन्होंने बोल दिया कि ऑलरेडी करप्शन जो इतना पुराना है और सारे केस बिजनेसमैन के फेवर में गए, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं, तो ये समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो ये किधर इशारा कर रहे हैं वो है यानी कि जो आज की डेट में जो ब्यूरोक्रेसी है
जो पॉलिटिकल पार्टी है आप लोगों ने सुना है करप्ट है, पर लेकिन जुडिशरी जो होती है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट रहता है कि हाँ यार और कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो जुडिशरी के अंदर न्याय मिलेगा। तो अगर यहां पर भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक मुद्दा निकलकर सामने आता है। तो इसका मतलब यह इनके द्वारा समझाने की कोशिश की गई कि एक ट्रस्ट रहता है, लोगों का फेथ रहता है हमारे देश में कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो इंटीग्रिटी को बनाकर रखेगी। पर लेकिन जुडिशरी में अगर जज ही ऐसी स्टेटमेंट देने लगे, और जज तो एक बार को छोड़िए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी स्टेटमेंट देने लगे, तो फिर क्या गरिमा बनती है। इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया था यहां पर कई सारे और पर्सनैलिटी के थ्रू, आप लोगों ने सुना होगा यहां पर उस टाइम पर यहां पर कई ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा कुछ बोला गया तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोर्स चलाया गया। इससे प्रशांत भूषण को ₹1 देकर फिर छोड़ दिया गया, तो वो आप लोग केस यहां पर देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे केस यहां पर देखने को मिले। इवन जो खुद के जो जज थे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम था मार्कंडे कास्जू, उनके खिलाफ भी यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिला था, उनके द्वारा एक पोस्ट लिखी गई थी। तो जब यहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलने लगती है, तो जब यहां पर आपस में ये सिचुएशन निकल कर आती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि लोगों को जुडिशरी के ऊपर कितना ट्रस्ट करना चाहिए और जुडिशरी जो है वो कितने इंडिपेंडेंटली काम करती है, ये बातें बोलेंगे। ठीक है, कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने जो हमारी कंट्री का अगर सुप्रीम कोर्ट से लेकर आप लोग नीचे तक देखोगे तो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में याद रखिएगा, फेडरल सिस्टम स्टेट का है पर लेकिन जुडिशरी जो है वो यूनिफाइड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सबोर्डिनेट कोर्ट हो गए, तो ऐसे देखने को आप लोगों को मिलेगा यहां पर। ठीक है, बाकी ये सारे हाई कोर्ट की लिस्ट है आप लोगों के सामने, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के बारे में, जैसे आज के दिन में बोल दूं आप लोगों से अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये किस हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सी ऐसी जहां पर हाई कोर्ट है, हमारे देश में पहले अकेली यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली जिसके पास में हाई कोर्ट था, पर लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर आप लोगों को पता है नई यूनियन टेरिटरी बन गई, उसके पास भी खुद का हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कई सारे इश्यूज आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इनके द्वारा मुद्दा यहां पर ही बताया गया जो मैंने आप लोगों को समझाया। बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ और बातें आप लोग याद रखते हैं। स्टार्टिंग में हमारे देश में 7 जज हुआ करते थे यहां पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला। आगे आगे संख्या बढ़ती गई, यहां पर 8 जज थे 1950 में, 11 हो गए 1956 में, 14 हो गए 1960 में, 18 हो गए 1978 में, 26 हो गए 1986 में, 31 हो गए 2009 में, और 2019 में हम लोगों ने इनकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी। और 34 में क्या है यहां पर, 33 तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर नॉर्मल जज, और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग यहां पर इनके बारे में याद रखते हैं। कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन स्टेटमेंट आप लोगों से निकल जाती है, तो कंफ्यूजन आप लोगों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है बातें यहां पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज एनालिसिस के बारे में यहां पर बातें करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैंने आप लोगों को बताया था। 12 महाराष्ट्र के जो बीजेपी के एमएलए हैं यहां पर, उनको अभी यहां पर सस्पेंड किया गया था यहां पर, बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर में, तो उनका सस्पेंशन जो है वो यहां पर कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आप लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया, सस्पेंशन कैंसिल क्यों कर दिया, तो देखिए ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गंभीर हो गया था। 1 साल तक आप लोग किसी को सस्पेंड करके नहीं रख सकते, ये बात बोली गई, यानी कि असेंबली में जो यहां पर उनको सस्पेंड किया गया, तो यहां पर जो असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं उनके द्वारा बोला गया कि यहां पर रूल 53 है महाराष्ट्र असेंबली का, जिसमें स्पीकर जो है उसको पावर है यहां पर, अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो उसको यहां पर क्या किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। पर लेकिन यहां पर ये बोला गया अगर आप लोग इस इंसान को सस्पेंड कर देते हैं तो नॉर्मली ये माना जाता है कि 60 दिन तक अगर कोई अपनी सीट पर नहीं आ रहा है तो वो सीट जो है वो खाली मानी जाएगी। ठीक है, तो ये बात बोली जाती है। अगर किसी की डेथ हो जाए तो यहां पर 6 महीने के अंदर अंदर उस पर इलेक्शन कराने होते हैं, और भाई साहब आप लोग इनको 1 साल से ज्यादा सस्पेंड किए बैठे हैं, तो ये कैसा मुद्दा है, ये कैसी बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और सस्पेंड किसके ऊपर किया गया था, वो बेसिकली जनता की एक तरीके से आवाज उठा रहे थे। आवाज ये थी कि ओबीसी का जो भी डेटा निकाला गया 2011 में, ठीक है, उसको प्रस्तुत करो, क्योंकि आप लोगों को पता है पॉपुलेशन के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये माना जाता है कि अगर जो डेटा सामने आ गया पब्लिक के, तो पॉपुलेशन का कि ओबीसी की संख्या बढ़ चुकी है, तो रिजर्वेशन में भी कुछ आप लोगों को यहां पर चेंज करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बार बार चिल्लाती है, बिहार में नीतीश कुमार साहब जो हो गए, और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में, अब लोग देखा होगा कई बार बोलते हैं कि इसको डेटा को प्रस्तुत करो। तो यहां पर जो बीजेपी के एमएलए थे यहां पर उसके बारे में बातें कर रहे थे, उसका अपोज यहां पर कर रहे थे, जिसके चलते यहां पर ये चीजें निकल कर आ रही थी। तो यहां पर इनको सस्पेंड कर दिया गया, स्पीकर साहब के ऑफिस में पहुंचे तो उनके द्वारा सस्पेंड कर दिया गया कि ऐसी अमानवीय व्यवहार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 1 साल से सस्पेंड इनको कर रखा है। तो यहां पर मैटर जो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बताओ भाई क्या चल रहा है, तो इन्होंने बोला यार 1 साल हो गए भाई साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा, तो ऐसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये अगर मान लीजिए आप लोग किसी ऐसे इंसान को इतने लंबे समय तक सस्पेंड रखते हैं, तो इनडायरेक्ट वे में मुद्दा ये है कि आप लोग उस स्टेट के अंदर जो असेंबली है जहां से चुनकर आ रखे हैं उनके लोगों के साथ में आप लोग गलत करें, क्योंकि उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देखने को मिल रहे हैं जो कि यहां पर सस्पेंड आप लोगों ने कर रखा है। उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है आज के डेट में यहां पर असेंबली के अंदर में? तो यहां पर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का भी आप लोग इनका हनन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो महाराष्ट्र असेंबली ने हालांकि ताऊ ताऊ में बोला हमारे पास में अधिकार है,
कि यहाँ पर आप लोग जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, यानी कि इनके द्वारा बोला गया आर्टिकल का यूज करके कि आर्टिकल हमारे पास में 212 आर्टिकल है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोग यहाँ पर असेंबली की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि चुप, ऐसी बदतमीजी वाली बातें नहीं सुननी मुझे, ठीक है, मुझे पता है पाप पाप होता है, बाप को मत सुनने के लिए। एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, सुल्तान मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें यह रहता है कि डोंट, कहता मतलब डायलॉग जैसा था, डोंट टीज द फादर हाउ टू मेक बेबीज, यानी कि बाप ने तुमको पैदा किया है, बाप को ये मत सिखाओ कि बच्चे कैसे पैदा करने हैं, ठीक है। तो ये वाली बेसिकली स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली असेंबली को कि हमको मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत है और हमारा अधिकार क्या है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर वो देखो पहले, तुम क्या गड़बड़ी कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी बोला है कि 60 दिन तक कोई एब्सेंट रहेगा तो सीट खाली मान ली जाएगी। दूसरे पर ये बोला है कि कोई मर जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे, और आप लोग इनको एक साल से बाहर बैठा हुए तो ये वैलिड किधर से हो गया, मुझे समझाओ। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का ही हनन हो गया भाई साहब, आपने तो बिल्कुल ही कहानी खत्म कर दी यहाँ पर। और आप लोगों को पता है बेसिक स्ट्रक्चर कैसा हथियार है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब भी बेसिक स्ट्रक्चर यूज किया तो फिर पटक पटक कर मारता है यहाँ पर कोई भी आ जाए सामने, ठीक है, फिर वो किसी को नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ यूज किया गया, ठीक है। तो इसके चलते पूरा केस है, अभी एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और वैसे भी दो बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है, उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था और आप लोगों के सामने रिवीजन भी हो गया होगा अगर रेगुलर आप लोग देखकर चल रहे हैं तो। कंफ्यूजन तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं हूं ना, टेंशन कहां है, फिर बता दीजिएगा। तो जो भी बातें बताई गई है इनके सबके नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को पीपीटी में मिले हुए हैं, ठीक है, अगर उनको उठाकर देखोगे तो आप लोगों के सामने सारे नोट्स आ जाएंगे खुल के, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, मोटा मोटा आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं, ये कुछ मुद्दे थे, ठीक है। आगे जो मुद्दे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बात की जा रही है इंगेज इन डिबेट इन हाउस, ठीक है। एक तरीके से आज के में क्या देखने को मिलता है आप लोग, अगर एक छोटी सी एक वीडियो के बारे में बताऊंगा, एक वीडियो है द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उन्हीं के द्वारा वो वीडियो पब्लिश की गई थी। एक टीचर बैठे रहते हैं, टीचर कहते हैं बच्चों को कि ये वाला पोर्शन एक गवर्नमेंट है और ये वाला पोर्शन जो है वो है बेसिकली अपोजिशन। तो एक क्लास में टीचर बोलते हैं कि मुझे प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन बिहेवियर चाहिए, ठीक है। लोगों ने कहते हैं कि एक तरीके से प्रॉपर पार्लियामेंट का बिहेवियर दिखाओ और डिबेट डिस्कशन करो। तो क्या करते हैं, कुर्सी मारने लगते हैं, पेपर फाड़ने लगते हैं, दूसरे कालर पकड़ने लगते हैं, दूसरे को मुखिया आने लगते हैं, मतलब मुख्य मारने लगते हैं। तो ऐसा माहौल वहां पर पूरा देखने को मिलता है, तो टीचर जो है वो देखकर हैरान हो जाते हैं। अब बच्चों की भी क्या गलती है, बच्चे जो देखते हैं वही करेंगे ना, निर्दलीय हमारे पार्लियामेंट में वही देखने को मिलती है। तो बोला गया है कि यहाँ पर प्रॉपर बिहेवियर यहाँ पर होना चाहिए, प्रॉपर डिबेट डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए। ज्यादा जोक सपाटे चलते रहते हैं, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते रहते हैं, पूरा देश देख रहे हैं, एक दूसरे की मजाक खींचते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है क्या रियलिटी में यहाँ पर उस टाइम पर जो आप लोग बैठे हो, जो काम आप लोग करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं, तो ये सोचने वाला मुद्दा होता है, ठीक है। तो उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर चलने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें पाकिस्तान से, अभी यहाँ पर एक हिंदू ग्रुप था, उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि हमारे देश से यहाँ पर फ्लाइट जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। तो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के द्वारा यहाँ पर ये बातें रखी गई थी, तो हमारे देश के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इंडिया जो है वो बात करने के लिए तैयार है। तो एक आशा की किरण है कि आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को चलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो बात की जा रही है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर प्रमोशन के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पर स्टेट को देखना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए एससी और एसटी में जो कोटा है प्रमोशन का उसको कैसे लेकर चलें। तो बेंच ने रिफ्यूज कर दिया। एक कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कोर्ट के पास में जाते हैं, कोर्ट ने झलकार दिया कि क्या दिमाग खराब हो रखा है, जब भी देखते हो मेरे पास में उठाकर डंडा बोरी चले आते हो, कह रहे कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट से जाकर मिलो, ठीक है, उनसे बातें करो, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बार बार मैं काम करूं, जस्टिस करूं, तुमको यहां पर तुम्हारी हरकतें सुनूं। तो ऐसे यहां पर कोर्ट ने बोला है बेसिकली, तो ये एक तरीके से बोला कि रिफ्यूज कर दिया है सेट करने के लिए नॉर्म रिप्रेजेंटेशन के, वो बोला कि ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव का मामला है, ठीक है। तो जुडिशरी जस्टिस करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेटरी अपना काम करेगी और मीडिया अपना काम करेगी, तो सबको अपना काम करने की बात हिदायत दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, जियो के अंदर आप लोगों को पता है काफी बड़ा एक बूम आया, खासकर जब यहाँ पर एक नया सिम निकाल कर लेकर सबको फ्री प्रोवाइड करा दी सारी चीजें। अभी यहाँ पर क्या हो गया, गूगल जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है एयरटेल के अंदर में, तो बहुत बड़ी डील आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल सकती है। और आने वाले टाइम में 5G जो यहाँ पर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है तो उसमें काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो बड़ा एक यहाँ पर ये चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो अभी टक्कर का एक टक्कर रहेगी आप लोगों को, और आगे आने वाले टाइम में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है, तो अच्छी चीज है यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर बात की रही है डोंट वॉन्ट वॉर, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कहा है कि हमारा इंटरेस्ट इग्नोर मत करो, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, ये बेसिकली रसिया बोल रहे हैं, ठीक है, और यूएसए को बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल में यूक्रेन वाले इशू पर हत्तापाई इतनी ज्यादा हो चुके हैं इनकी, जिसकी कुछ हद नहीं है। यूक्रेन जो है यहाँ पर वो एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर 3 का भी रूप यहाँ पर ले सकता है,
अगर ऐसे ही दिक्कतें यहां पर चलती रही, एक तो यूक्रेन हो गया और दूसरा ताइवान हो गया, तो ये काफी एक धधकते गोले आप लोग बोल सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में माहौल खराब कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कई बार इनको मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। यूक्रेन जो है वो रशिया चाहता है कि यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहे, अपने हिसाब से काम करता रहे, और यूएसए और दूसरी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको एक तरीके से नेटो का मेंबर बनाना चाहते हैं। रशिया नहीं चाहता कि ये नेटो का मेंबर बने। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो कल को चलकर काफी बड़े इशू रशिया के लिए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए रशिया अड़ा हुआ है कि अगर तुमने इसको नेटो का मेंबर बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो उसी के चलते इशू आ रहा है। अभी यहां पर बात की जा रही है, बेसिकली एक बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, ये बात की जा रही है इंट्रान सेंसर, ठीक है। तो यहां पर एक बूस्टर ट्रायल के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं, यहां पर एक इंपोर्टेंट बॉडी है जिसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल, एंड जो यहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसको डीजीआई आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये है बेसिकली जो कि यहां पर एक तरीके से अलाउ करती है अगर कल को चलकर आप लोग कोई ट्रायल करते हैं कि हाँ दवाई को आप लोग आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। आगे चले, यहां पर ये इंडिया का लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है गुरुग्राम के अंदर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की जा रही है, एबल रहेगा 100 राउंड यहां पर क्लोक दिए, यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। तो काफी बड़ी बात है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देश में आने वाले टाइम में प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी यहां पर आप लोगों ने देखा कि इससे मान लो कल को आप लोग एयरफोर्स में सिलेक्ट हो जाते हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मेरा बड़ा मन था। चलिए कोई नहीं, जहां अब भी सही है। तो वहां पर क्या रहता है, बेसिकली मुद्दा ये रहता है कि आज की डेट में जो ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है तो उस ट्रेनिंग के बारे में मुद्दा आप लोगों को निकल कर आएगा। तो ट्रेनिंग में यहां पर कई बार प्लेन क्रैश हो जाते हैं, मानते हैं कि उनकी क्वालिटी काफी बुरी रहती है जिसकी वजह से ये इश्यू देखने को मिल जाता है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। बाकी यहां पर एक मुद्दा यह है कि यूएई के जो यहां पर एक एक्स जो काउंसलर थे, यानी कि एक तरीके से जो उनके एक तरीके से होते हैं जो काउंसलर होते हैं जो हमारे देश में रहते हैं, तो उनके द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, हमारे देश में कुरान डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो ये जो आज की डेट में अगर बात करें डिप्लोमेटिक जो भी यहां पर उनको एक अधिकार रहता है उसके थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है, तो ऐसी हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए। तो एक इशू बन गया कि ऐसे कुरान कैसे डिस्ट्रीब्यूट आप लोग कर सकते हैं, एक रिलीजियस मुद्दे में आप लोग कैसे घुस सकते हैं, देश के इंटरनल इश्यूज को आप लोग यहां पर कैसे उठा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये इशू था, तो समझ सकते हैं इसके बारे में। बाकी यहां पर सेफ्टी नॉर्म्स दिखाने की बात की जा रही है। देखिए हमारे सामने कई सारे सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं पर लेकिन हम लोग उनको ब्रीच कर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर ये रस्सी लगा रखी है कि इससे आगे नहीं जाने। अब आप लोग देखिए यहां पर कोई रुकने के लिए तैयारी नहीं है। तो कई सारे रूल और रेगुलेशन ऐसे होते हैं हम लोग इनकी धज्जे उड़ाते रहते हैं, तो कई बार इनके बारे में बातें भी की जाती हैं पर लेकिन हम लोग जो है इनको इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं। बाकी यहां पर एक बात की जा रही है, केरला के अंदर 6 जो गर्ल है वो मिसिंग है चिल्ड्रन हाउस से। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि जो कि लावारिस बच्चे होते हैं उनको चिल्ड्रन होम में रखा जाता है, पर लेकिन वहां पर नॉर्मली ये देखने को मिलता है कई सारे सेक्स रॉकेट भी उनकी वजह से चलाए जाते हैं उन बच्चों को, उनको उनका देह व्यापार किया जाता है, उनके ऊपर कई सारे अत्याचार किए जाते हैं, ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो अभी केरला के अंदर भी ऐसा केस यहां पर देखने को मिला। तो ये टाइम टू टाइम आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कई सारे ऐसे इशू उठाए जाते हैं पर लेकिन दब जाते हैं क्योंकि इनके पीछे कई सारे पावरफुल लोग होते हैं, तो ये मुद्दे कई बार आते हैं पर लेकिन सही नहीं है जिस तरीके के इशू देखने को मिल रहे हैं। फिलिपिन जो है बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलिपिन खरीद रहा है, तो आने वाले टाइम में हमारी भी एक अच्छी मार्केट बनती हुई नजर आएगी। तो इनके द्वारा 374 मिलियन की ये डील देखने को मिल रही है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल हमारे द्वारा बेची जा रही है इनको, ठीक है। इंडिया और रशिया के द्वारा बनाई गई ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि काफी खतरनाक मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल को ये फिलिपिन के हाथ में चली जाती है तो कहीं ना कहीं जो बार बार चाइना जाकर चिल्लाता है फिलिपिन के ऊपर, तो ये फिलिपिन भी बोलेगा कि अब की बार बदतमीजी नहीं काटना वरना इंडिया ने मिसाइल दे रखी है, छोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो ये मुद्दा है। तो हमारे लिए आने वाले टाइम में जो हम लोग बेसिकली दुनिया में लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट हम लोग डिफेंस इंपोर्टर थे, अब हम लोग एक्सपोर्टर बन रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यूथ के बारे में बात की जा रही है कि यूथ को वोकल फॉर लोकल बनना चाहिए, इस कंपेन के बारे में बात की जा रही है कि हम लोग अपने देश में अपने ही लोकल प्रोडक्ट खरीदें तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये काफी एक सही डायरेक्शन में मोदी जी यहां पर बच्चों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहां पर स्टडी की जा रही है, कंसर्न निकल कर ये आ रहा है कि एक नया जिसको बोल रहे हैं न्योको, ठीक है। तो यहां पर न्योको निकल कर आ रहा है, तो सिंगल मॉलिक्यूलर चेंज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस जो कि यहां पर न्योको, तो यहां पर काफी ज्यादा इफिशियंट और इफेक्टिवली यहां पर लोगों को इन्फेक्ट करता हुआ नजर आएगा जो कि यहां पर सोचने वाला मुद्दा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा जिसके टाइम लगेगा थोड़ा सा इसके बारे में, संडे वनडे में फिर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में सारी बातें बताऊंगा, इसका अगाड़ा पिछड़ा क्या है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जब टैरिफ ट्रेड वगैरह आप लोग कम कर देते हैं फ्री ट्रेड बोलते हैं, तो अभी उसी को बढ़ाने की बात की जा रही है इंडिया और यूके के बीच में। तो एक मुद्दा चल रहा है काफी अच्छा जो कि हम लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं, 6% जो एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वो एससी यानी कि जो हमारी शेड्यूल कास्ट है उसके पास में देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर हर एक एरिया से लोग जो है आगे निकल कर आते हैं तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, तो उसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, वही बातें दिखाई दी, ठीक है। यहाँ पर ये सुडोकू है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, डेली आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी ओलंपिक जो विंटर होने वाले आप लोगों को पता है चाइना के अंदर होने वाले हैं, तो पुतिन जो है वो सी जिनपिंग से मिल रहे हैं,
तो उसी के चलते आगे मुद्दा इनका देखते हैं, दोनों लंगोटे यार हैं। बाकी यहाँ पर वही वेस्ट जो है हमको कंसर्न समझना चाहिए रशिया का, ये बातें बताई गई हैं। श्रीलंका की कहानी जो है वो काफी ज्यादा खराब आप लोगों को देखने को मिलेगी। श्रीलंका के अकाउंट में ये माना था कि 1 point something billion यानी कि बहुत ही कम यहाँ पर पैसा बचा हुआ है आज के में, और उनके ऊपर दुनिया भर का लोन है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं आप लोग कि श्रीलंका जो है वो एक तरीके से झोला लेकर घूम रहा है। हमारी कंट्री ने भी हेल्प करने की भी यहाँ पर बात की है इनके क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये इनकी करेंसी जो है खतरनाक लेवल पर बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका लगभग 10-12% जो है वो टूरिज्म से निकल कर आता था। अभी टूरिज्म COVID-19 के चलते आगे बढ़ नहीं पाया, जिसकी वजह से इनको घुटने टेकने पड़ गए। तो ये इशू है जो कि आप लोग हल्का से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी कई सारे इश्यूज मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी यहाँ पर आज के में। श्रीलंका को हम लोग हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत कुछ एरिया में, ठीक है। तो बेसिक चीजें आगे चलते हैं। आरबीआई जो है यहाँ पर वो स्टेप उठा रहा है कि कैसे यहाँ पर चीजों को सही तरीके से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मेजर ले रहा है इकोनॉमी का जो टर्नओवर है उसको सही किया जाए, तो डिप्टी गवर्नर ये बातें बोल रहे हैं। अभी फिलहाल यूएसए के द्वारा जो यूएसए का बैंक है उसके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई कि हमारी स्टॉक मार्केट धड़ाम हो गई थी, ठीक है। तो वो इश्यू है यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, कई बार बड़ी कंट्री जो है वो एक तरीके से पावरफुल कंट्री रहती है और कुछ भी ऐसा मुद्दा देखने को मिलता है, दिक्कतें निकल के आ जाती है कि हमारे जैसा देश कई बार क्या रहता है, एक तरीके से ना इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है हमारे देश में, तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है पता चला दूसरे देश में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो लोग वहां से भाग जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री में दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर वी अनंता जो नागेश्वरन है, ये नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन रहे हैं, तो ये याद रखेगा। बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो यहाँ पर जो भी चीजें इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रस्तुत किया जाता है तो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा वो चीजें रखी जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी बात की जा रही है एनपीए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, तो बैंक जो है वो ट्रांसफर करेंगे 15 एनपीए जिनका वर्थ है 50,000 crore टू यहाँ पर NARCL, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनको बैड बैंक का नाम दिया गया था, तो बैड बैंक का यहाँ पर ये काम करेंगे, तरीके बैड बैंक के नाम पर यहाँ पर चीजों को सुधारेंगे, तो उसके चलते चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ये बिचौले का काम करेंगे कि पैसा दे रखा है वैसा वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, तो आप गुंडे के पास में चले गए, ठीक है मैं पैसा निकाल के दूंगा। तो बैड बैंक एक तरह गुंडा है जो कि यहाँ पर इनका रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा, इकोनॉमी की खस्ता हालत को सुधारने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इशू देखने को मिलेगा। बाकी राफेल नडाल साहब जो है वो बिल्कुल मस्ती में आ गए हैं, अब जो यहाँ पर अब जब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले इंसान ये बन जाएंगे, इसके जीतते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आप लोगों से पूछे गए थे तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए यहाँ पर, बेसिकली हर्षिता के द्वारा काफी डिटेल में आंसर दिए गए काफी अच्छे से, और इसी के द्वारा यहाँ पर केसु के द्वारा भी अच्छे आंसर दिए गए काफी अच्छे से, ठीक है। तो काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, देखिए क्वेश्चन के आंसर देते तो अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हो तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर, तो आप लोगों को पता है एनवायरमेंटल इमरजेंसी पेरू के अंदर देखने को मिलती है क्योंकि ऑयल स्पिल हो गया था टोंगा के अंदर, जिसकी वजह से इशू निकल कर आया था, तो काफी सारे जानवरों की जीव जंतु की भी जान गई थी यहाँ पर, ठीक है। बाकी ड्रोन के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर है डी। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है टेलीग्राम पर, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट है यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा था इस पर्टिकुलर कमेटी के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। टीएस सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई थी 2014 में और बोला गया था कि एनवायरमेंटल सर्विस हमारा होना चाहिए। तो शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये कवर किया था, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं वोकैबुलरी यहाँ पर। क्रैच, क्रैच क्या होता है, जब यहाँ पर कोई वुमेन अगर कहीं पर जॉब करने जाती है तो उस टाइम पर अगर उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो क्रैच की फैसिलिटी होती है वहां पर, जहां पर दूध पिलाने की बात की जाती है, ठीक है। स्पोर्ट के बारे में बात की जा रही है, प्रेरणा होती है यहाँ पर, जिसको प्रेरणा आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा यहाँ पर एक तरीके से एक नहीं एनक्रेज करना, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से स्टंटिंग, ठीक है। तो कर्तव्य दिखाना, स्टंट करना नहीं बोलते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रिवलेंस में होता है एक तरीके से सार कंडीशन कैसी है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। फैक्टर कंडीशन, ठीक है, एक सही चीजों को एक तरीके से लेकर चलना, कंडीशन जो है उसको कैसी प्रिवलेंट हो रही है उसके बारे में जानना। इरेडिकेट होता है किसी चीज को उखाड़ना, खत्म करना, तो इरेडिकेशन पुअर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने पूरा टॉपिक, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो ये था पूरा डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ऐसे जरूर लिखेगा, और बाकी फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।